Assalamu alaikum and welcome back. So today we had a different experience. Rather than literature or linguistics, we had a tour of Orange Train and we went to Gwalmandi and Shah Alam Market. So with me was Yasir, Ammar, Usman, Ubair, Adil and myself, Jahan Zaid. So when you first enter from Ali Town, so ye Ali Town ka station hai jisme ye Ammar haath hila rahe hain. स्टेशन में एस्केलेटर्स हैं जो कि आपको ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी हालत आपको बता रही है कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है और जल्दी हमारी आवाम इन ब्रशेस से अपने शूज़ को साफ करेगी और उल्टी साइड से भी ऊपर जाती नजर आएंगी और कई लोग यहाँ पे छलांगे भी मारेंगे क्योंकि हम बदल नहीं सकते। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ट्रेन में अली टाउन में हम उस स्टेशन पर एंटर हुए हैं और इस स्टेशन में हम अब टिकट लेने के लिए या उसका कूपन लेने के लिए बेसिकली हम जा रहे हैं उसके मेन काउंटर की तरफ। सो आप इसका लुक देखें, लुक इज़ वेरी गुड, लाइक यू डोंट सीम टू बी इन पाकिस्तान हियर इन दिस वीडियो, लाइक दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल दुबई के कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है। आपके सामने जो कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इन स्क्रीन्स में हिदायत दी गई हैं ट्रेन पे चढ़ने की। ये जो मॉनिटर्स हैं, यहाँ से आप अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं या अपने कूपन्स को ले सकते हैं, टोकन्स वगैरह ले सकते हैं। सो ये एक ट्रेन स्टेशन है। ये दो कंपार्टमेंट्स हैं, लेफ्ट इज़ फॉर वेमेन और राइट वन वॉज फॉर मैन। जहाँ से हम एंटर होंगे, ये आदिल, उबैद, यासिर और अम्मार हैं। हम यहाँ से एंटर होने लगे हैं और अब हम जाएंगे बिल्कुल सामने जो आपको नज़र आ रहा है, टिकट घर। जी हाँ, अब हम टिकट घर पे आके यहाँ से टिकट लेंगे और यहाँ से हमने ऊपर की तरफ जाना है। सो दीज आर द टोकन्स। अब ये जो टोकन जिसमें से गिर गया, बहुत ही गिरा हुआ टोकन था ये, तो ये टोकन्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आप तरीका देख लें, इनको हम यहाँ पे स्कैन करते हैं। ये जो जहाँ पे ऑप्शन बनी है, टोकन विल बी स्कैन्ड हियर और ये आपके सामने से बैरियर हट जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड से हम अगेन एस्केलेटर्स को यूज़ करेंगे। लिफ्ट का भी यहाँ पे इंतज़ाम है, हालांकि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दी गई हैं, लेकिन हम चूँकि कभी कभी एस्केलेटर्स को यूज़ करते हैं तो हम एस्केलेटर्स पे ही जाएंगे। सो वी आर नाउ ऑन एस्केलेटर्स एंड वी आर गोइंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द ट्रेन। सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एवर। आदिल भाई हैं जो कि वेव कर रहे हैं, उबैद भाई ऑल्सो अ टीचर हियर, यासिर भाई अ बिजनेसमैन and selling bags on bags and Yasir's bags, bags and brands ke naam se inka business hai. Ammar Haider marketing ke professor hain, Ubaid bhi business administration ke professor hain. So ye hum is waqt Orange Train ke bilkul samne aa chuke hain. Ye jo train hai ye is waqt Shalimar ki taraf se aayi hai और अली टाउन पे इसने स्टॉप किया है और यही ट्रेन मुड़ के आएगी जिस पे हम इसी पे बैठेंगे। सो ये लोग हैं, रश कम है क्योंकि ये पहला स्टेशन है। तो यहाँ से हम, दिस इज द इनर व्यू, कब हम ट्रेन के अंदर हैं। आपको नज़र आ रहा है ये लाहौर की वो आबादी है जो कि आपको नॉर्मली ऐसे नज़र नहीं आती इस व्यू से। वो दूर आपको एम्पोरियम भी नज़र आ रहा होगा, वो बिल्डिंग एम्पोरियम की थी। तो ये एम्पोरियम के पास से होते हुए हम इस वक्त इस ट्रेन के अंदर हैं और ये डिस्कशंस चल रही हैं कि ट्रेन को कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए। लोग बैठे हुए हैं, वो सामने एम्पोरियम है जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है एंड दिस इज़ द कैनाल स्टेशन। ये स्टेशन है जो कि अब यहाँ पे ट्रेन रुक रही है। सो ट्रेन यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉप्स हैं इसके, ये इसके स्टॉप्स यहाँ से शुरू होते हैं, लाइक अली टाउन से ये स्टेशन ट्रेन शुरू होगी, ठोकर न्याज बेग, उसके बाद सब्जार भी बीच में आता है, समनाबाद भी आता है, चुपुरजी है, अनारकली है, रेलवे स्टेशन है,
लक्ष्मी भी है, यूईटी जिसकी बिल्डिंग भी नजर आती है, शालामार गार्डन भी नजर आता है। सो दिस इज चिबुर्जी। ओरिजिनली ये स्टे लिया गया था कि बिल्डिंग डैमेज ना हो, बट आफ्टरवर्ड्स ऑरेंज ट्रेन अपना काम शुरू कर दिया, सो इट इज गोइंग ऑन परफेक्टली। नाउ यू कैन सी ये उसके दोनों अतराफ के मनाजिर हैं जो कि चिबुर्जी के अराउंड जो कि यतीम खाना वाली रोड पे हम जा रहे हैं। ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि ऑरेंज ट्रेन जीपीओ के नीचे अंडरग्राउंड जाती है, सो ये अंडरग्राउंड मनाजिर। यहाँ पे एक शाम का टाइम नजर आएगा, रात का टाइम नजर आएगा, ये अमार हैदर टोकन से खेलते हुए। ये बिल्कुल इस वक्त अंधेरा है, पिच डार्क है बाहर, एक्सेप्ट फॉर इन स्टेशन। ये जो स्टेशन आया है ये स्टेशन अनारकली का स्टेशन है जिसको क्रॉस, ये हमारे सामने एक मेट्रो ने भी क्रॉस किया। सो ये अनारकली के स्टेशन में से अब ट्रेन बाहर की तरफ निकलेगी जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका एग्जिट है वो लक्ष्मी स्टेशन पे है। सो लक्ष्मी स्टेशन वंडरफुल प्लेस टू गो, जहाँ पे आसपास गाड़ियों का भी काम है, फूड का भी काम है। तो ये हम उस अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ रहे हैं और ये तमाम एरिया ये लक्ष्मी और जो कि मशहूर है अपने फूड की वजह से, सिनेमास की वजह से, अपने लाइक बिल्डिंग्स की वजह से, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लाइक बहुत खूबसूरत इसका व्यू है जो हमें यहाँ से नज़र आता है। लाइक ट्रेन के दोनों अतराफ में आपको बहुत अच्छे मनाजिर मिलेंगे और लाहौर की वो सीनरी मिलेगी जो आपने नहीं देखी होगी, इस्पेशली कई बिल्डिंग्स को जो ऊपर से देखेंगे। सो ये अब दोनों साइड्स पे देखें, ये सेवर फूड्स है, इनकी मुफ्त में पब्लिसिटी होगी, हालांकि ये कोई पैसा नहीं देंगे इस चीज़ का। बेसिकली ये लाइक मुख्तलिफ स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, लेकिन हमें व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम अच्छे सिटीजन्स का मुजाहरा करें, जो हिदायत यहाँ पे मिल रही होती हैं हम उन हिदायत पे अमल करें और अपने तौर पे इस ट्रेन को लाइक जिस हमने मेट्रो का हाल किया, हम इस ट्रेन को ख़राब मत करें। ये जो लाइक इसमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइक महंगी चीज़ें जिनको परचेज किया गया ऑन वेरी हैवी प्राइसेस, सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम। सो ये अब हम टुवर्ड्स शालामार जा रहे हैं जो कि हमारा लास्ट स्टॉप होगा आज। तो लाहौर का ये मंजर आपने पहले नहीं देखा होगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन का मंजर है, वो दूर रेलवे स्टेशन भी नजर आ रहा है और ये ट्रेन के ट्रैक्स हैं और ये आपको माल बरदार गाड़ियां नजर आ रही हैं जो कि अपने अपने ट्रैक्स पे अभी खड़ी हुई हैं। ये उसके स्टोर हाउसेस हैं और ये अतराफ की बिल्डिंग्स, यहाँ से हम गुजरते हुए शालामार की तरफ जा रहे हैं। मार हैदर गुरु जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अब हम इनसे पूछेंगे कि इनका ऑरेंज ट्रेन के बारे में क्या ख्याल है। ऑरेंज ट्रेन का मेरा पहला सफर है और मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैद हैं, यासिर भाई है, आदिल भाई है, और हमने प्लान किया आज शालमी जाने का, तो हमने कहा एक बहाना था, लेकिन हमने ये सोचा कि चले ये सफर भी करके देखें और ट्राई करेंगे या कैसे एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस है। हमारा तरक्की कर रहा है यहाँ पे,
अब हम यूईटी के पास से गुजर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम्स लगे हैं। सो चूंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इन्होंने सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा तादाद में लगाए हुए हैं, इवन अपने हॉस्टल्स के ऊपर, ताकि मैक्सिमम सोलर टेक्नोलॉजी को, सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाए। सो ये यूईटी के मनाजिर हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर। ये उसका ऑडिटोरियम है, ग्राउंड है, ये अगेन हॉस्टल साइट है। सो यू कैन सी हाउ बिग जाइगेंटिक इट इज, हाउ वास्ट इट इज। सो आफ्टर क्रॉसिंग इट, अब हम मूव कर रहे हैं शालामार की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप है और हमारा आखिरी स्टॉप है। हालांकि ट्रेन आगे भी जाती है, लेकिन आगे के लिए हम फिर कभी उस पर आएंगे और वीडियो बनाएंगे। फिल वक्त के लिए हमने चूँकि उस्मान भाई को वहाँ से पिक करना है, सो उस्मान हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कोलीग भी हैं, सो ही इज़ वेटिंग फॉर अस एट शालामार स्टेशन। सो विद उस्मान विल बी मूविंग बैक, और स्टेशन रेलवे स्टेशन के ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पे हम आएंगे और वहाँ से हम शाह आलम मार्केट की तरफ जाएंगे। हाँ, लेकिन बीच में हम नाश्ता ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम सब की बस हो चुकी है। सो लेट्स हैव अ लुक। सकें और अब उस्मान भाई को लेकर हम दोबारा वापस जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के स्टेशन पे। और ये आ गए हमारे उस्मान भाई, हम सब के प्यारे, हम सब के राज दुलारे। तो इनको लेके हम दोबारा मूव कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पे, जहाँ पे हम उतरेंगे। यहाँ पे हम एंड तक देख सकते हैं कि ट्रेन्स का जो ट्रैक है बहुत खूबसूरत तरीके से बिछा हुआ है,
और एंड तक हमें दूर दूर तक नज़र आ रहा है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे आ रही है। एंड वी कैन लुक ऑल अराउंड द सीनरी, हमें वो मनाजिर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं जो कि हम पहले जिनको नीचे से देख रहे थे ग्राउंड लेवल से, अब हम उन्हें कंपैरेटिवली ऊपर से देख पा रहे हैं। ये जो बीच में लाइंस लगी हुई हैं, ये हमें अब पता चला कि हमें भी रोका गया कि हमने इन लाइंस से आगे की तरफ स्टेप नहीं करना। तो हर वो बंदा जो ये वीडियो देख रहा है वो इस चीज़ को जहन में रख ले कि इन लाइन से हमें बिल्कुल पीछे की तरफ रहना है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो हदायात हैं हम उन पर अमल करें। अभी जो ट्रेन जा रही है इसके साथ ही हमारा दूर आपको एक स्टेशन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे वो ट्रेन आ चुकी है जिस पे हम बैठेंगे। सो जब ये वीडियो जूम इन होगी सो यू कैन ऑल्सो लुक एट दैट ट्रेन जिसका हम वेट कर रहे हैं बेसिकली। तो ये बिल्कुल लाइक बेंड हो रही है ट्रेन टुवर्ड्स यूईटी, टुवर्ड्स शालामार। तो ये बहुत खूबसूरत कैचिंग एरिया, जब आप पाकिस्तान मिंट जो कि से अगला स्टेशन है, ये भाई अपने पैकेज पे लगे हुए हैं, मुसलसल लगे हुए हैं फ़ोन कर करने, इनको अपनी नौकरी का कोई एहसास नहीं। तो जब आप यहाँ पे पाकिस्तान मिंट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट पे ये जो आपको ट्रीज नज़र आ रहे हैं ये शालामार गार्डन के हैं। शालामार गार्डन के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अब इसके तीन तख्ते रह चुके हैं। ये ट्रेन आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है। सो शालामार गार्डन के पहले सात तख्ते थे, जहाँ पे ये ट्रेन है उसका राइट साइड का एरिया ये सब शालामार गार्डन हुआ करता था, जिसको अब कम कर दिया गया। अब वो सिर्फ तीन स्टेप्स में है, यानी बड़े बड़े तीन लॉन्स हैं मुख्तलिफ स्टेप्स में। तो ये हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है अपने स्टेशन से, अब हम यहाँ पे इस ट्रेन में सवार होने लगे। हम दोबारा से ट्रेन में बैठने लगे हैं क्योंकि अब हमें दोबारा, जिस समय पहले बता चुका हूँ कि स्टेशन की तरफ जाएंगे। अब देख लें ट्रेन कितनी खाली है और कितनी साफ़ सुथरी है, इसको देख के ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोगों ने अभी तक इसको साफ़ रखा है और इंशाल्लाह हम इसको साफ़ रखेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हम हमें इसका ख्याल भी रखना है। सो अब हम हेड कर रहे हैं अपनी इख्तितामी मंजिल की तरफ। ये आपके सामने डायरेक्शंस हैं जहाँ पे ये रेड लाइन सिग्नल देती है कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब आप किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से अपने मंजिल का ख्याल भी रखना है, अनलेस और लाइक इट मे बी पॉसिबल कि वी मे मिस द स्टॉप, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करें क्योंकि एक स्टॉप मिस हो जाए यू विल हैव टू वॉक बैक टू योर स्टॉप। ये लाहौर के कुछ मजीद मनाजिर हैं जो कि आपके व्यू पे इस तरह नजर आ रहे हैं। गवाल मंडी में आ चुके हैं और आप बिल्डिंग्स देखें, ये पुराने लाहौर की वो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं
और ये वो मशहूर दुकान है जिससे चाचा रफीक की लस्सी और उर्फ़ आम में फीके की लस्सी कहा जाता है। ये पेड़ों वाली लस्सी है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, फिलिंग होती है। और ये हम उस लस्सी के बाद अब जा रहे हैं नाश्ता करने प्रॉपर, क्योंकि हमारा लस्सी से कुछ बना नहीं, हालांकि बहुत सारे लोगों का लस्सी से लाइक पेट भर जाता है। तो ये पुरानी बिल्डिंग्स देखें आप, कितनी टावरिंग बिल्डिंग्स हैं और कितनी एंटीक स्टाइल है इनका। ये दुकान फाइनली हमने चूज़ की जिसमें देसी बकरा, देसी मुर्ग और पाए नान चने, ये सब इसके उस पार्ट का हिस्सा है मेन्यू का। हमने पाए ऑर्डर किए और साथ चने। सो अब ये जिस जगह पे हम लाइक अब बैठे हुए हैं, बेसिकली ये अमार का एक आइडिया था। और ये आइडिया क्या था कि ये इन्होंने एक वैगन वाले की या एक जिसके पिकअप वाले की मेहनत की कि हमें अपने पीछे सवार होने का मौका दे। तो ये हम उस पिकअप के पीछे सवार हैं इस टाइम और खड़े हुए ये ट्रैवल कर रहे हैं और हम शाह आलम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। सो क्रेडिट गोज़ टू अमार जिसने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये राइड लेके दी। सो थैंक यू वेरी मच अमार। हमारे राइट साइड पे जो दुकानें हैं, ये खदर की मार्केट है, यहाँ पे खदर का कपड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा है। इसके आगे मियो हॉस्पिटल है और लेफ्ट पे एचिसन, लेडी एचिसन हॉस्पिटल है। ये बिल्डिंग आपके सामने है। सो ये हम लाहौर के उस मकाम से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी तारीख रकम है और बहुत सारे तारीखी मकामात एक जगह पे इकट्ठे हैं। बाजार है लेकिन यहाँ पे अकीदतमंद हजरात आपके सामने जा रहे हैं, तो ये जुलूस की शक्ल में बड़ी ग्यारहवीं का जश्न इसे कहा जाता है। सो ये उस उर्स को मना रहे हैं, उस जश्न को मना रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं। इस पे बहुत सारी न्याज बांटी जाती है, सदका खैरात किया जाता है, देगें पकाई जाती हैं, गरीबों को खाना खिलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक फेस्टिवल है। ये हजरत यहाँ पे मरुंडा बेच रहे हैं, बड़ी गहरी कैंडी टाइप की और ये बड़ी क्रंची होती है। सो ही वाज अ फन
ये मस्जिद वजीर खान का व्यू है और उसकी अतराफ का व्यू, जहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे शाही हमाम भी है जो बड़ा फेमस है और लाइक लोग दूर दूर से उसको देखने आते हैं। ये बिल्डिंग्स क्या में पाकिस्तान के वक्त या उससे बहुत पहले की भी हैं, कुछ उसमें से पहले की हैं, कुछ बाद में बनी, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग्स आउटडेटेड भी हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्राम आवर साइड, थैंक यू वेरी मच।